मतलब मैं ये कह रहा हूं मिलोर कि ये लोग जो जो भी चैरिटी करते हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं रियली सचमुच में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा भाई सबको करना चाहिए चैरिटी तो सबको करनी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है महाराज आपके पैसे लेने के तरीकों से। मिलोर जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते हैं ना ये लोग भगवान दिखा के डराते हैं। फिर ऐसे ऐसे आप डरा धमका के पैसे लेकर और बाद में उसकी हॉस्पिटल खोलो कि हूटर्स बार खोलो। अब एक आई ऑब्जेक्ट मिलोर तो क्या आपके कहने के मुताबिक स्वामी जी जो है यार या मंदिर जो है या किसी भी धर्म के देवस्थान जो है वो डरा धमका कर पैसे लेते हैं? अरे इंसान के पैदा होने के साथ ही इन लोगों का डराने का खेल शुरू हो जाता है। आपके बच्चे को काल सर्प दोष है, उसको मंगल है, उसको शनि की साढ़े साथी है, राहु की पनौती है, केतु की वक्र दशा है, शेख शुक्र की मकर दशा है। तो क्या है बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ है। अरे उसको सांस तो लेने दो। अभी तक मिलोर उसने कुछ किया ही नहीं है और उसके सर पे इतने सारे दोष और दशा। और फिर ये दोष और दशा को दूर करने के लिए पूजा करा। यहां से इनकी पूजा पाठ की बंदूकें निकलती हैं। अरे उसमें भी डराते हैं कि अगर हमारा प्रसाद खाए बिना बाहर निकले ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ मंदिर वाले इससे उल्टी धमकी देते हैं, कहते कि हमारे मंदिर का प्रसाद अगर शाम को खाया ना तो कल सुबह लकवा मार देगा, आपका बच्चा मर जाएगा। और कोई भी बात हो मिलो, बात आपके कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, खरी हो, खोटी हो, पूजा की तलवार तो सर पे लटकती ही रहेगी। आपने फर्स्ट क्लास 5 बेडरूम का नया हाउस लिया, नया घर लिया, आ जाएंगे कि वास्तु पूजा किए बगैर, ग्रह शांति किए बगैर आपने अगर घर में कदम रखा ना तो आपकी घर की शांति नष्ट हो जाएगी। घर में झगड़े होंगे, इस घर में आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, तरक्की रुक जाएगी। और अगर कभी कभार आपकी बीमारी अगर दवाई की वजह से कम नहीं होती है तो भी आ जाए, कहेंगे महामृत्युंजय का जाप या 5000 गायत्री मंत्र का जाप ये बीमारी को दूर कर सकता है। अगर आप जाप नहीं जपोगे पाप नहीं धुलेंगे नरक में जाओगे और फिर नरक का पूरा मेनू कार्ड पड़ेगा कि आपको नरक में कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग का दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। क्या है वो आदमी है कि पकोड़ा है यार? और मिलोर इंसान के मरने के बाद भी इनका खेल रुकता नहीं है, ये रैकेट और आगे बढ़ता है। ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते हैं कि अगर इस जन्म में आपने ये नहीं किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनो, और इस जन्म में अगर आपने ये किया तो अगले जन्म में कीड़े बनोगे, मकोड़े बनो। अब तो बाई ईमेल भी डराते हैं। आपको भगवान की फोटो मेल कर देंगे और कहेंगे कि अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया ना